गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम अनुराग मौर्य फ्रॉम अनु एजुकेशनल वीडियो चैनल। इस वीडियो में हम लोग मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। मॉडल्स का प्रयोग एबिलिटी योग्यता दिखाने के लिए, पॉसिबिलिटी संभावना दिखाने के लिए, ड्यूटी कर्तव्य दिखाने के लिए, सजेशन सुझाव के लिए, इंस्ट्रक्शंस निर्देश के लिए, नेसेसिटी आवश्यकता का बोध कराने के लिए किया जाता है। विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, ये सभी मॉडल्स हैं। नीड, डेयर, यूज टू, ये तीनों सेमी मॉडल कहलाते हैं, क्योंकि इनका प्रयोग मेन वर्ब और मॉडल दोनों की तरह होता है। मॉडल्स पर सब्जेक्ट का प्रभाव नहीं पड़ता है, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो। अब हम लोग एक एक करके इनके विषय में पढ़ेंगे। पहला है एबिलिटी यानी योग्यता, पावर यानी शक्ति और कैपेसिटी यानी क्षमता। ये दिखाने वाले जो है वाक्यों के बारे में लोग पढ़ेंगे कि किन किन मॉडल्स का प्रयोग करके एबिलिटी, पावर और कैपेसिटी को हम दिखा सकते हैं। इसमें कैन, कुड और विल बी एबल टू, इन तीन का प्रयोग करके हम योग्यता यानी एबिलिटी, पावर और कैपेसिटी को दिखा सकते हैं। तो पहला हम लोग देखेंगे इसमें कैन का यूज प्रेजेंट की एबिलिटी, पावर और कैपेसिटी बताने के लिए किया जाता है। ऐसे वाक्यों के अंत में प्रायः सकता है, शक्ति है, सकते हैं आता है। सामर्थ्य व्यक्त करने के लिए कभी कभी सकना की जगह पर लेना, पाना, जाना या बनना क्रियाएं अथवा समर्थ, योग्य, लायक जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। कुछ शब्दों के अंत में पा रहा है, पाता हूँ, योग्य हूँ, लायक हूँ आदि शब्द आते हैं। इससे पहला हम लोग पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट ही, सी, इट तथा सिंगुलर नाउन, यू, बी, दे, आई तथा प्लूरल नाउन। यानी कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट लगता है, या इसी को हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। इस स्ट्रक्चर से सब्जेक्ट ही, सी, इट तथा सिंगुलर नाउन अगर सब्जेक्ट रहेगा तो उसके बाद इज लगेगा, फिर उसके बाद एबल टू लगेगा, फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट। आई रहेगा सब्जेक्ट तो उसके बाद एम लगेगा, फिर एबल टू लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। और अगर यू, बी, दे तथा प्लूरल नाउन में से कोई सब्जेक्ट रहेगा तो उसके बाद आर लगेगा, फिर एबल टू लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। फॉर एग्जाम्पल पहला है वह अंग्रेजी बोल सकता है, तो प्रेजेंट में इस वाक्य से पता चलता है कि प्रेजेंट में उसके पास क्षमता है, योग्यता है अंग्रेजी बोलने की। तो ये बनेगा ही कैन स्पीक इंग्लिश। ही के बाद जो है कैन लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलना का स्पीक हो जाएगा, फिर इंग्लिश। तो ही कैन स्पीक इंग्लिश। इसी को हम दूसरे तरीके से बना सकते हैं, ही इज एबल टू स्पीक इंग्लिश। इज एबल टू के बाद ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। दूसरा है वह हारमोनियम बजा सकता है, यानी उसको इसकी कला मालूम है, हारमोनियम बजाने की कला उसको मालूम है, वह समर्थ है, प्रेजेंट में उसके पास ये योग्यता है। तो इसको हम लोग बनाएंगे ही कैन प्ले ऑन द हारमोनियम,
या इसी को हम दूसरे ढंग से ऐसे बोल सकते हैं, ही इज एबल टू प्ले ऑन द हारमोनियम। तीसरा है एग्जाम्पल, मैं यह सवाल हल कर सकता हूँ, तो उसके पास योग्यता है इस सवाल को हल करने की, तो इसको बनेगा आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, या इसी को हम लोग ऐसे बनाएंगे आई एम एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। चौथा है, वह कई प्रकार के व्यंजन बना सकती है, वह का हो जाएगा सी, इसके बाद कैन लगेगा, बनाना का, खाना बनाना का कुक होता है, और कई प्रकार का मेनी काइंड्स ऑफ व्यंजन का डिशेस, तो सी कैन कुक मेनी काइंड्स ऑफ डिशेस। इसी को हम दूसरे ढंग से बोल सकते हैं, सी इज एबल टू कुक मेनी काइंड्स ऑफ डिशेस। तो ये जितने भी ये सेंटेंस हैं, ये सब ज्ञान कौशल पर आधारित योग्यता है। ये जितने सेंटेंस अभी बताए हमने, ये ज्ञान कौशल पर आधारित योग्यता है। पांचवा है, मैं इस वजन को आसानी से उठा सकता हूँ, प्रेजेंट में मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य है कि मैं इस वजन को आसानी से उठा सकता हूँ, तो इसका बनेगा आई कैन लिफ्ट दिस वेट इजली, या इसको दूसरे ढंग से बोल सकते हैं आई एम एबल टू लिफ्ट दिस वेट इजली। ये शारीरिक योग्यता पर आधारित वाक्य। छठा है, मैं वहां समय से पहुंच सकता हूं, इसका बनेगा आई कैन रीच देयर इन टाइम, या इसका दूसरे ढंग से बनेगा आई एम एबल टू रीच देयर इन टाइम। सातवां है, हम अपनी आदत सुधार सकते हैं, तो इसका बनेगा हम का बी हो जाएगा, फिर कैन सुधारना होता है मेंड, तो वी कैन मेंड आवर हैबिट, इसका दूसरे ढंग से बनेगा वी आर एबल टू मेंड आवर हैबिट। ये परिस्थितिजन योग्यता है। आठवां है, वह इसे उठा सकता है या उठाने योग्य है या उससे यह उठ जाता है, इन तीनों का जो है मतलब सेम है, और इसका बनेगा चाहे हम कैन लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनाएं या इज एबल टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के बनाएं, तो ही कैन लिफ्ट इट, ही इज एबल टू लिफ्ट इट, इन दोनों में से किसी भी तरीके से हम बना सकते हैं। शेर बड़े से बड़े जानवर का शिकार कर लेता है, यहाँ पे सकना नहीं आया है, कर लेता है, फिर भी यहाँ इसका मतलब है सकना, यानी शेर बड़े से बड़े जानवर का शिकार कर सकता है। तो अ लायन कहें या द लायन कहें, तो द लायन कैन हंट इवन द बिगेस्ट एनिमल, इसी को हम दूसरे ढंग से भी कह सकते हैं, द लायन इज एबल टू हंट इवन द बिगेस्ट एनिमल। दसवां है, यह सारे घर को रोशनी से भर सकता है, तो इट कैन फिल द इंटायर हाउस विद लाइट, इसी को कैन फिल के स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं इज एबल टू फिल द इंटायर हाउस विद लाइट। ग्यारहवां है, अब वह बड़े आराम से अंग्रेजी बोल पाता है, पाता है तब भी सकना का ही अर्थ यहाँ आ रहा है, यानी वो समर्थ है बोलने में, ही कैन स्पीक इंग्लिश वेरी कंफर्टेबली नाउ। बारहवां है, सरकार आतंकवाद पर अंकुश लगाने में समर्थ है, तब भी सकना का ही अर्थ आ रहा है यहाँ पे, तो द गवर्नमेंट कैन कर्ब टेररिज्म। तेरहवां है, मुझे सिर्फ शांत कमरे में ही नींद आती है, तो यहाँ भी सकना नहीं है, इस वाक्य का अर्थ है मैं सिर्फ शांत कमरे में ही सो सकता हूँ, तो इसलिए इसका बनेगा आई कैन ओनली स्लीप इन इन ए क्वाइट रूम। चौदहवां है, मैं अंग्रेजी बोल पा रहा हूँ, मैं अंग्रेजी बोल पाता हूँ
या मैं अंग्रेजी बोल लेता हूँ, मैं अंग्रेजी बोलने के लायक हूँ, या मैं अंग्रेजी बोलने के काबिल हूँ, या मैं अंग्रेजी बोलने के योग्य हूँ। इन सब का बनेगा आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश या आई कैन स्पीक इंग्लिश। 15वां है मैं क्रिकेट खेल पा रहा हूँ या मैं क्रिकेट खेल पाता हूँ या मैं क्रिकेट खेल लेता हूँ, मैं क्रिकेट खेलने के योग्य हूँ या मैं क्रिकेट खेलने के लायक हूँ या मैं क्रिकेट खेलने के काबिल हूँ। इन सब का बनेगा आई एम एबल टू प्ले क्रिकेट या आई कैन प्ले क्रिकेट। 16वां है सब बनेगा मैं खाना पका लेता हूँ या मैं खाना पका पाता हूँ या मैं खाना पकाने के योग्य हूँ। इन सब का बनेगा आई एम एबल टू कुक फूड या आई कैन कुक फूड। तो बच्चों आज यहीं तक। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तथा घंटी का बटन दबाएं, जिससे कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।